अर्चना, यू रिमेम्बर विक्की इससे पहले? हाँ हाँ, आप बजा लो पहले. यू रिमेम्बर अर्चना जी, विक्की इससे पहले भूत फिल्म की प्रमोशन के लिए आए थे. yeah, yeah. तब भी इनकी हीरोइन साथ में नहीं आई थी. इस बार ये शुजीत सर के साथ आए हैं. तो विक्की, आपका काम पे फोकस ज्यादा है कि आपकी लाइफ में कोई है जो ये नहीं चाहती कि आप लड़कियों के साथ जाएं? मैं ना आपके सारे शोज देखता हूँ और मैं एक ये सोशल सर्विस समझता हूँ कि इस शो पे हीरोइनों को नहीं आना चाहिए. ओह, अब आ सकती हैं. आई मीन शुजीत, अभी शादी हो गई, दो बच्चे हो गए, अभी क्या बड़ा फर्क पड़ा है शादी हो गई. नहीं आया ना. देखो अर्चना जी, ये तो बोलने की बातें होती हैं कि अब हमारी शादी होगी. कोई भी मर्द अंदर से सारे कमीने होते हैं, मैं आपको बताऊं. तो ऐसा ठीक है, चलो. अच्छा, हमने शुजिदा ये सुना है कहीं कि सरदार उद्धम सिंह जी के ऊपर फिल्म बनाने का आइडिया आपके दिमाग में 21 साल पहले आया था. तो आप पैसे आने का वेट कर रहे थे कि विक्की के बालिग होने का वेट कर रहे थे आप? आप कह सकते हो दोनों के लिए वेट कर रहा था मैं एक्चुअली. अच्छा जी, पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं, विक्की आने से पहले इस प्रोजेक्ट में एक्चुअली इरफान खान थे. ओह माय. अच्छा जी. इट वाज एन अनफॉर्चुनेट, सबको मालूम है कि क्या हुआ था. बट उनके शूज पे एक्चुअली विक्की आए और फिर विक्की सरदार उधम है अभी इस वक्त. वाह. विक्की से प्रेशर पड़ा होगा इससे कि एक तो बहुत टफ कैरेक्टर है वैसे ही प्ले करना, फिर इरफान सर के यू नो जो तो आपको कदम रखना पड़ा. मैं इरफान साहब को बहुत मानता हूँ. आई थिंक ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन द वर्ल्ड. सेम है सर. एंड जहाँ बात आती है कि उनके जूते पर पैर रखना, मुझे लगता है कि उनके जूते में कोई पैर नहीं रख सकता, ना मैं ना कोई भी एक्टर, क्योंकि वो जूते का साइज नहीं है, वो जूते की क्वालिटी अलग है. क्या बात है. वेल सेड. बट एवरी शॉट इस फिल्म का, हर टेक इज अ ट्रिब्यूट टू इरफान साहब. क्या बात है. अच्छा शुजीत दा को विक्की डोनर के लिए नेशनल अवार्ड मिला, फिर पिंक के लिए भी मिला, और भी बहुत सारे अवार्ड मिले. तो शुजीत दा, ये स्क्रिप्ट आपको अवार्ड वाले सजेस्ट करते हैं कि आपने उनका कोई वीडियो बना रखा है? मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको दो बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है, एक बार मैं भी आपको मिल चुका हूँ, और कोई ख्वाहिश? पर अगर गौर से आप ऑब्जर्व करें, शुजीत दा के साथ अभी विक्की काम कर रहे हैं, विक्की को नेशनल अवार्ड मिला है, आयुष्मान ने काम किया उनको मिला हुआ, बच्चन साहब ने किया उनको मिला हुआ है. तो मैं जनता के सवाल था बेसिकली कि जब कोई एक्टर आपके ऑफिस में आता है तो आप उनका आरटीपीसीआर चेक करते हैं कि नेशनल अवार्ड चेक करते हैं? एक और आया मेरे दिमाग में. अभी देखो आप, शुजीत दा का नाम ही है शुजीत सरकार, है ना, और जो भी इनके साथ काम करता है उनको नेशनल अवार्ड मिल रहा है. तो एक बात तो पक्की है, सरकार के साथ रहने में फायदा तो है. ओ, तो सरकार हमें भी अपनी शरण में ले लो. पर जोक सपाट, विक्की ने इस फिल्म में सरदार उधम सिंह जी का जो 20 साल की उम्र में जैसे दिखते थे वैसा लुक बनाया, मेहनत की, उसके बाद जब मेच्योर दिखते हैं, और दोनों में वाकई लग रहा है कि वो उतना ही टाइम गैप लेके वैसा लुक बनाया. कितना मुश्किल था पाजी ये ट्रांसफॉर्मेशन? जिनको नहीं ज्यादा पता होगा मैं बता दूं, सरदार उधम सिंह पैदा हुए थे 1899 में, राइट, और 1919 में जलियांवाला बाग हुआ जी. तो जब जलियांवाला बाग हुआ था वो 20 साल के थे, और फिर 1940 में उन्होंने लंदन में जाके माइकल ओ डॉयर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, जिन्होंने ये ऑर्डर दिया था जनरल डायर को कि वो जाकर जलियांवाला बाग मैसेकर करें. आज भी अगर सोचा जाए कि आपको लंदन जाना है तो 10 चीजें सोचनी होती है. ये 100 साल पहले उन्होंने देश यहां से इंडिया, इंडिया से यूरोप, रशिया, पता नहीं कैसे कैसे करके, क्या बात है यार, उन्होंने लंदन जाके उन्होंने माइकल ओ डॉयर को असैसिनेट किया था. उन्होंने अपने नाम बदले, आइडेंटिटीज बदले, कभी वो उधम सिंह थे, कभी उदय सिंह थे, कभी शेर सिंह थे, कभी फ्रैंक ब्राजील थे, कभी राम मोहम्मद सिंह आजाद थे. करेक्ट. तो ये सारी चीजें आपको फिल्म में देखने को मिलेगी. वंडरफुल. पाजी सच बताऊं, इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल बात मेरे लिए थी कि एक इंसान जलियांवाला बाग, आई गेट इमोशनल एवरी टाइम आई टॉक अबाउट जलियांवाला बाग. 1650 गोलियां चली हैं वहां,
जो रिकॉर्ड्स बताते हैं वो ये है कि 1000 के ऊपर लोग मारे गए हैं और घायल हुए, जिसमें बच्चे, बूढ़े, और जो रिकॉर्ड्स में आता है कि बच्चा, साल भर का बच्चा भी, उतना छोटा भी, जिसे गोली लगी है, दीवार पे गोलियों के निशान आज भी है। अगर एक 20 साल के लड़के ने, आज हम जब ये कहानी सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पर एक 20 साल के लड़के ने वो देखा था, आंखों के सामने है। अगर एक लड़का वो जी जाए, वो आई थिंक वो एक दिन में ही वो इतना बदल जाता है। एज एन एक्टर मैं जितना भी उस बारे में सोच लूं, उसको जीने की कोशिश कर लूं, फिर भी वो कहीं ना कहीं मैं दूर ही रहूंगा उस इमोशन से कि जो शायद उस बच्चे ने फील किया होगा उस दिन, जिसने वो एक्चुअली जिया है। तो मेरी यही कोशिश थी, मैं कहीं ना कहीं जितना करीब हो सके उस इमोशन तक पहुंच पाऊं, कि तभी वो लड़का 21 सालों तक शायद वो उस पेन को छोड़ नहीं पाया कि वो 21 साल बाद भी जाकर अमेजिंग माइकल ओडोयर को असैसिनेट किया था। एंड उन्हें पता था उसे फांसी होगी, उन्हें पता था कि वो उसके बाद कभी जेल से छूट नहीं पाएंगे, और उस बात का उन्हें कोई मलाल नहीं था, यू नो। और वही हमारा कहना है कि ये फिल्म बायोपिक एक इंसान की नहीं है, एक सोच की बायोपिक है। बिल्कुल, क्या जो हम जताने की कोशिश कर रहे हैं। सुजिता, ये फिल्म की शूटिंग कितनी जगह पे की? लंदन, रशिया, जर्मनी, अलग अलग जगह पे गए। तो फिर विक्की को आपने पैसे दिए कि ये बोल के डाल देगा भाई तेरे को बर्ड टूर करवा रहे हैं? नहीं, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे कभी कभी अर्चना जी ऑटो पे मड आइलैंड चले जाए ना, तो ये ऑटो वाले को पकड़ लेती है कि किस बात के पैसे, एक तो तुझे मड आइलैंड घुमा रही हूँ। हाँ, उस दिन मेरे को याद है, सुजिता यू वॉन्ट बिलीव, ऑटो वाले ने इनको मडेलन छोड़ा, उसने पैसे मांगे, हाथापाई होगी इनकी। oh, इन्होंने उसका ऑटो वाले का ना हैंडल उखाड़ लिया, वो बेचारा उंगली डाल के चला के गया अंधेरी तक। सुजिता, सीरियसली आपको कई स्ट्रॉन्ग वीमेन चाहिए हो जो हीरो को पेट से पकड़ के उठा दे, यू कैन कंसीडर हर। एक्टिंग नहीं, सिर्फ इसके लिए प्लीज कास्ट मी। अच्छा, विक्की के पापा श्याम कौशल साहब, आप सब जानते हैं, हमारी इंडस्ट्री के बहुत ही नामचीन, बहुत ही बेहतरीन एक्शन डायरेक्टर हैं। मुझे एक बात और, श्याम सर से मेरी कभी ना कभी बात होती रहती, बहुत प्यार करते हैं हमसे, और मैं भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। विक्की, जब बचपन में कभी मम्मी कहती थी आपके पापा को कि बड़ा शैतान हो गया, दो लगा दो, तो पापा कहते नहीं थे कि नहीं इस काम के तो मैं चार्ज करता हूँ? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।